हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम चल रहे हैं मार्केट, तो आपको हमारे इधर का मार्केट घुमा के लाती हूँ मैं। कि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, ग्रोसरी वगैरह, तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा घुमाया जाए मार्केट। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। मैं अकेली ही आई हूँ, बच्चों को नहीं लाई हूँ, ना ही उनको बता के आई हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो वो ज़िद करते। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है कुर्तों की। बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते वगैरह आए थे यहाँ पर, टॉप वगैरह, क्योंकि कोरोना के बाद में, फिर बहुत दिनों के बाद में ये मॉल खुला है, तो इसलिए देखिए टी शर्ट्स भी यहाँ का, होजरी का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दुकान से भी हम लोग कपड़े ख़रीदते ही हैं और पैसा तो हमको उनको भी देना है और इनको भी देना है, लेकिन वहाँ बार्गेनिंग करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके अपनी पसंद के और अपनी वैरायटी के, जितनी क्वालिटी हमें चाहिए जैसी और जितने पैसे के हम ख़रीदने चाहते हैं उस हिसाब से अपने कपड़े ख़रीद लेते हैं। इसीलिए दुकान से मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ की क्वालिटी भी एक नंबर होती है, बिल्कुल अच्छी। वो धोने पर भी आराम से रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। देखिए बहुत अच्छे अच्छे पार्टी वेयर कुर्ते वगैरह बहुत अच्छे थे, जीन्स के कुर्ते। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं घूमी, बस थोड़ा बहुत घूम के अपने लिए जो जो चाहिए था वो सब कुछ ख़रीद लिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारा प्रोडक्ट आया हुआ था। तो ये देखिए कुछ ऑफ भी चल रहा है, किसी पे 50%, किसी पे 30%, क्योंकि कस्टमर की कमी है। और जेंट्सों के लिए भी बहुत अच्छा है वहाँ पर। देखिए मैंने घूम भी लिया है अच्छे से, और मैंने बोला तो है बट वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर इसकी एडिटिंग कर दी। तो देखिए मेरे पीछे पार्टी वेयर कुर्ते वगैरह, ये साड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और बहुत अच्छा ब्लाउज़ वगैरह लगे हुए हैं। बहुत अच्छी सामान था वहाँ पर। और मैं घर जा रही हूँ अब, तो मैं घर आ गई हूँ। और ये देखिए नहा लिया है मैंने, वहाँ से आने के बाद सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया है, और रसगुल्ले अब हम लोग खाएंगे। तो ये रसगुल्ले की रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग जा कर के देखिएगा। और मैं 4 प्लेट लगाई है, हम 4 लोग हैं, तो अब हम लोग बैठ करके आराम से खाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे को मधुमक्खी ने जब से कट किया था उसके बाद से फिर उसने कुछ नहीं खाया अच्छे से, उसी के लिए मैंने ये बनाए थे, बट हम लोग खा नहीं पाए, इसीलिए अब बैठ करके हम लोग खा रहे हैं। मार्केट से आ करके आराम से नहा धो के सैनिटाइज़ करके मैंने बोला कुछ खाते हैं पहले, इसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। देखिए खा रहे हैं आराम से बैठ के, और देखिए हाय बोल रहा है, उसको पता है कि वहाँ पर मोबाइल लगा हुआ है इसलिए हाय बोल रहा है। कितना भी मना करो फिर भी बच्चे शैतानी करना बंद नहीं करते हैं, और अच्छा भी लगता है अगर वो इस तरीके से शैतानी करते हैं तो, क्योंकि जब बच्चे शांत होते हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता है किसी भी काम में या कुछ भी करने का, घर की हालत ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आज मेरा बेटा ठीक है, उसका उंगली भी ठीक है, डॉक्टर के पास भी मैं एक बार और दिखा के उसको लेके आ गई। अब बैठा है आराम से, आराम से रसगुल्ला खा रहा है। और बेटी देखिए मेरी एक बार में एक रसगुल्ला खा रही है, बहुत तेज़ है वो। और देखिए बेटा मेरा देखता रहता है, लेकिन बेटी मेरी बहुत तेज़ है। और देखिए हम लोग बैठे हैं आराम से। 2 दिन के बाद में ये मैंने शूट किया है, क्योंकि बेटे की हालत मेरी 2 दिन में ही ठीक हुई थी, तो उसकी अब उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी उंगली ठीक हो गई है, वरना पूरा घर सर पे उठा लिया था उसने। तो मैं बाहर से कुछ नहीं लाई, क्योंकि कोरोना के टाइम में बाहर का खाना ठीक नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए मैं घर पे ही 2-4 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो बच्चों को पसंद हो। और अच्छा ही है, बच्चे हमारा घर का खाना सीखेंगे इस टाइम में। देखिए मैं मेरी बेटी से पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, तो बोल रही है अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बच्चे बैठ करके अपने साथ में खाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, और उनको भी पता है कि अब बाहर का कुछ नहीं आना है, घर में ही है जो कुछ है। तो बच्चों को आदत भी हो गई है अब तो एक तरीके से, क्योंकि अब बाहर का बिल्कुल बंद हो गया है खाना पीना सब कुछ, तो और मांग रहे हैं बच्चे, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। मैं उनको ज़्यादा मीठा नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के दांत में भी कीड़ा लगा हुआ है, तो इसलिए देखिए हाय कर रहा है मैं चली गई हूँ तो। और बहुत शैतान है, देखिए बोल रहा है लाइक कीजिएगा मुझे, अगर मैं ना करूँ ना एडिटिंग इसको दे दूँ करने के लिए, तो मुझसे अच्छी एडिटिंग ये कर देगा। तो मैं और रसगुल्ला लेकर के आ गई हूँ, मैंने बोला कि एक एक और दूँगी, इसके बाद नहीं दूँगी। बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं वैसे तो, जो बोलती हूँ वो मानते हैं, और बेटा मेरा बहुत समझदार है, उनके लिए ही है खाने के लिए, बट किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाएं तो वो नुकसान देती है, भले घर में बनी हो या बाहर की हो।
तो इसीलिए देने से मैं मना कर रही हूँ उनको, बोला दो दो खा लिए हैं अब चलो एक एक और ले लो, अब नहीं दूंगी। तो बच्चे मेरे जिद नहीं करते हैं वैसे, बट वो एक बार बोल देते हैं तो मैं उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं देती हूँ, क्योंकि हम लोग बच्चों से जितना जिद करते हैं फिर बच्चे भी उतने ही ज़िद्दी बनते जाते हैं, और हम लोग जितने शांति से उनसे बात करते हैं उसी तरीके से बच्चे हमारे अपनी आदतें बनाते जाते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें हमारे बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, क्या सिखाना है। तो खा रहे हैं आराम से बैठ के, और बेटी देखिए, अब बेटी से मैंने पूछा और चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल रही नहीं बस इतना दे दिया, थैंक यू इसके लिए, अब घर के काम कर लेते हैं कुछ। देखिए जो ला करके ग्रॉसरी मैंने भर दी है सुखा करके अच्छे से धूप में, और कुछ बचा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इधर ही बैठ के मैं भर लेती हूँ, कुछ आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इसी तरीके से मार्केट से सारा सामान ला के, धूप होती है उसी दिन मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी को तो हम लोग धो नहीं सकते हैं, बट जो पैकेट वाली होती है उसको मैं धो भी देती हूँ, ऊपर से पैकेट धुलाई कर देते हैं, कुछ सैनिटाइज़र वगैरह कर देते हैं, मगर ग्रॉसरी ज़्यादा हो तो फिर कितना सैनिटाइज़ करेंगे, और हर चीज़ तो पैकेट की यूज़ नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें हमको खुली भी लानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने देखिए सुखा ली हैं अच्छे से धूप में सारा सामान, अब मैं इनको भर रही हूँ। तो मैं जब भी सामान भरती हूँ तो अपने डब्बों को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, और पूरा मांस धो के अच्छे से साफ़ करके सुखा के धूप में, और इसके बाद ही डब्बों में डालती हूँ। तो इसी तरीके से साफ़ करके एकदम सुखा के मैं सारा सामान अच्छे से इसी तरीके से भर देती हूँ। तो जो बचा हुआ सामान है मैं छोटे डब्बों में इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर हम बड़े बर्तन में किसी भी चीज़ में पूरी ग्रॉसरी एकदम भर के रख देते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या सामान हमारे पास है और क्या नहीं, तो फिर वो ख़राब हो जाता है रखा रखा। तो छोटे डब्बे ऐसे रहते हैं हमारे हाथ में आते रहते हैं, हम उनको कभी कभी खोल खोल के देखते रहते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि वो चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं, वरना भर के रख देते हैं तो फिर घर के काम में भूल ही जाते हैं कि कुछ हमने भर के भी रखा हुआ है। इसलिए छोटे डब्बे में यूज़ करती हूँ कि जो बचा हुआ सामान है वो मैं इसमें भर दूंगी। तो इसी तरीके से मैंने सब कुछ सुखा लिया है, बस ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ ही था जो मैं भर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मैं अपनी किचन में साफ़ सफ़ाई करती हूँ, एक बार में ही पूरा करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम करते रहें तो हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं, और कोई वेस्ट भी नहीं होता, कोई सामान फालतू में फेंकता नहीं है। तो देखिए सब कुछ मैं इस तरीके से भर रही हूँ, और किचन में तो जितना साफ़ करो उतना ही कम है, क्योंकि बारिश के मौसम में ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है, नमी बहुत रहती है, और कितना भी सूखा कर लो या कुछ भी कर लो फिर भी नमी रहती है इस टाइम में, कीड़े भी बहुत लगते हैं अगर ज़्यादा सामान है तो, उसकी केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, और मेरे पास तो वैसे भी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सामान इसी तरीके से अपने घर का लाती हूँ। भरती तो एक ही बार में हूँ महीने में, बट मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में, इसी तरीके से धूप निकलती है तो सुखा लेती हूँ। ये किसमिस वगैरह मैंने सब कुछ सुखा लिया है और अच्छे से इसमें भर दूँगी। तो छोटे डब्बों में भरने से ये होता है कि वो हमारे यूज़ में भी आते जाते हैं और चलता जाता है। देखिए बेटी मेरी काजू लेकर के आ गई है, अब बोल रही है मुझे नहीं दोगी मम्मा, पूरा दिन से छत पे रखी है तो उठा उठा के मुट्ठी भर भर के जितना खा पाए हैं खा लिए हैं। और ये देखिए बादाम ले ली है, और बादाम उसको बहुत अच्छी लगती है, अब बोलेगी कि बादाम ही दोगी बस काजू नहीं दोगी, तो बोलिए देखो काजू भी ले ली है, अब बोलेगी किशमिश भी दे दो थोड़ा सा, तो ये देखो किशमिश भी ले ली है। बहुत तेज़ है वो, बहुत चंचल है, और अपनी बात मनवाने में बहुत आगे है, तो बहुत तेज़ है वो। तो ये सारा सामान मैंने इसी तरीके से भर दिया है, और बर्तन भी इकट्ठे कर दिए हैं, ये पॉलीथीन वगैरह है ये सब मैं फेंक दूँगी, और आजकल पॉलीथीन का यूज़ कम हो गया है, हम लोग भी उसको यूज़ कम करते हैं। देखिए अब मैं माचिस डाल रही हूँ, मैं इसी तरीके से जो दाल चावल जो भी सामान कीड़े लगने वाला होता है उसको रखती हूँ, तो माचिस के पैकेट लाती हूँ मैं साथ में, तो माचिस उसमें डाल देती हूँ, उससे क्या होता है कि वो हमारा सूखा भी बना रहता है जिसमें हम डालते हैं, जैसे दाल में डाला तो उसमें सूखापन भी रहता है माचिस के कारण, और माचिस जो है खाली नहीं है डब्बियाँ, उनमें तीली है माचिस की जो सीख आती है वो है उनमें। तो मैं सारे डब्बों में इसी तरीके से जो है भर देती हूँ और माचिस डाल देती हूँ उनमें, चाहे बड़े डब्बे हों चाहे छोटे डब्बे हों, दाल वगैरह बादाम वगैरह जिनमें कीड़े लगने का डर रहता है उनमें आप इसी तरीके से माचिस डाल दीजिएगा, हमारी दाल वगैरह जो है ख़राब नहीं होती और उनमें कीड़े नहीं लगते हैं बारिश के मौसम में, या फिर 12 महीने भी आप उनमें पड़ी रहने दें एक माचिस, या समय समय पर चेंज करते रहें आपको जैसा लगे। तो इसीलिए मैं माचिस डाल देती हूँ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है किचन में दाल वगैरह रखने की, और दाल जो भी हमारी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो उनके रखने की ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसी तरीके से मैंने
सारा कुछ भर दिया है और माचिस भी डाल दी है मैंने इनमें। तो देखिए दाल वगैरह में मैंने माचिस डाली, हल्दी वगैरह में या फिर जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है उसमें माचिस नहीं डालनी है, और मुनक्का में भी हमको माचिस नहीं डालनी है, और मूँगफली का डब्बा ज़्यादा भर गया था इसलिए मैंने उसमें माचिस नहीं डाली है, बट जैसे ही खाली हो जाएगा मैं बाद में उसमें माचिस डाल दूँगी। तो दाल में डालिएगा आप, काजू में, बादाम में, इन चीज़ों में डालिएगा जो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं सबको बंद कर देती हूँ, और काम तो जितना भी करो घर में कम ही है, आज तो बहुत हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो। इसी तरीके से मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, और किचन का मैं इसी तरीके से काम थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ क्योंकि टाइम की कमी होती है मेरे पास में। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारी साफ़ सफ़ाई अपनी कर लेती हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। और आज बहुत काम हो गया इसलिए मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।